टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में मुख्य भूमिका में नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह हैं। शो में ड्रामा के मामले में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शो की कहानी से फैंस काफी परेशान हैं। अब शो की स्टोरी लाइन पूरी तरह से आयशा सिंह उर्फ सई के बारे में है, जो कि इस चीज से डील करती है कि उनके पति विराट की शादी पाकी से हुई है। वो इससे कैसे निपटती है ये हमें देखना है। आने वाले एपिसोड में हम सई को चव्हाण निवास का दौरा करते देखेंगे। इस शो के बच्चे यानी कि सवि और विनायक, जो स्पष्ट रूप से अपने माता पिता के बीच के इक्वेशंस को समझने के लिए बहुत छोटे हैं, सई को चव्हाण निवास जाने के लिए ट्रिक करते हैं। जहां अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जिस दिन सई चव्हाण निवास पहुंचती है उस दिन पाखी और विराट की शादी की सालगिरह होती है और बच्चे ये चाहते हैं कि सई इस समारोह में शामिल हो, इसलिए उन्होंने सई के साथ ही ट्रिक कर दिया जिससे कि सई को चव्हाण निवास आना पड़ गया। बेशक ये सबसे अजीब स्थिति है। इसके अलावा विराट सई को सबके सामने अपमानित भी करता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही इंसान जो ये सब कुछ देखकर खुश हो रही होगी वो और कोई नहीं बल्कि भवानी काकू होगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि सई को देखकर विराट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उसके एनिवर्सरी पर सई आ चुकी है, जिसके बाद आगे की कहानी में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कभी सई और विराट की ये गलत फहमी दूर हो पाएगी और क्या दोनों कभी एक हो पाएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।